फुजुर जेव कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती मेघा सिंघई पूछ रही गुरुदेव कि आज के भौतिकता की चकाचौंध के मध्य जीवन यापन की व्यवस्था के साथ परमार्थ को जीवन की प्राथमिकता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि पारिवारिक संतुलन भी न बिगड़े और भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित भी न हो। जीवन यापन की फिर से भौतिक आज के भौतिकता की चकाचौंध के मध्य जीवन यापन की व्यवस्था के साथ परमार्थ को जीवन की प्राथमिकता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि पारिवारिक संतुलन भी न बिगड़े और भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित भी न हो। आपने पूछा है कि इस जीवन यापन की स्थिति में हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छा वाक्य है, रेशम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। सब कुछ करो पर ये जान करके कि मैं इनसे भिन्न हूँ, पहली बात। दूसरी बात, धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो साधने, जितना आवश्यक हो उनका संग्रह करें पर उसमें आसक्ति न रखें। यदि ये मनोभाव जग जाएगा तो परमार्थ हमारी प्राथमिकता में अपने आप आएगा। जब तक मनुष्य के अंदर कर्तृत्व का अहम होगा और आसक्ति का भाव होगा तब तक उसकी प्राथमिकता में परमार्थ नहीं आ सकता। विरक्ति के भाव को जगाने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए तीन पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ और काम। और ये कहा गया कि धर्म तुम अपने जीवन का मूल मानो, अर्थ का संग्रह करो तो धर्म के नियंत्रण से और काम का आश्रय लो तो धर्म के लगाम से। अर्थ पर भी धर्म का नियंत्रण हो और काम पर भी धर्म का नियंत्रण हो तब तुम अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने में समर्थ हो सकोगे। और उसमें क्या बताया, अर्थ पर धर्म का नियंत्रण यानी धर्म में अर्थ रखो तो अर्थ के प्रति आसक्ति ना रखो और नीति न्याय पूर्वक अर्थ का संग्रह करो। काम का आश्रय लो लेकिन पवित्रता के साथ मर्यादा की रक्षा करते हुए, संयम को रखते हुए। यदि ये बातें लोगों के दिमाग में बैठी रहे तो वह व्यक्ति इन त्रिवर्ग के माध्यम से अपर्व की सिद्धि कर सकता है।